हमारे लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के नेता आज सुबह मेरे सगे चुनाव प्रचार में जुटा भारतीय जनता पार्टी का मंच पर विराजा सभी नेतागण और विशेष तौर पर सीकर उचाल के आपके बीच में आया राजस्थान का प्रमुख लोक गायक मूलचंद जी इरात्रि की बेला में इरादू सर की पवित्र धरती पर इस सरदार सर की नौ पंचायतों आयडा मोतिया मेगा किसान भाइया 36 कौम और बिरादरी का बुजुर्ग और नौजवाना मेरे कन शब्द को नहीं कौन सा शब्दों में आपने धन्यवाद दूं। मैं बहुत सी सभा करी है, बहुत चुनाव लड़े हैं, बहुत चुनाव लड़ाया भी है, पर आज सोमसी सर लेके रातू सर का आना अठा तक आना में मैंने सवा घंटों ला क्यों और ये बात से ला क्यों कि नौजवान आ गए मोटरसाइकिल पर बैठ के जय जयकार का नारा लगाता लगाता और बीच में छोटी सी बस्तियों भी गुजरे छोटा सा गांव भी गुजरे फूल की मालाओं स्वागत को सत्कार हुए है मैं ये चीज ना जिंदगी में कदम भूल कौन सकूं। मैं आपने एक निवेदन करना चाहूं सरदार सर की पंचायत आप वोट दो पंचायत समिति में सरदार सर में विधानसभा को वोट आप दो तारानगर में काम बना पंचायत समिति में ग्राम पंचायत में आप अगर एमएलए साहब कन जाओ तो मैं सारों करा प्रधान कन जाओ सरदार सर जाओ सरदार सर जाके तारानगर जाओ और बड़े विधायक जी बात करो और विधायक जी कन जाओ तो मैं कहूंगा सरदार सर जाओ। इस दोनों प्रशासनिक व्यवस्था में इस इलाका का लोगों ने बहुत परेशानी रही अब राजस्थान के अंदर आपने पता है कि अगली बार जब चुनाव होगा भी वो पहले 30 नई विधानसभा बनेगी 33% महिलाओं को आरक्षण विधानसभा में हुए गो सिमन का समय में सारो पहला काम जो करना चाहिए आप पंचायत आना या तो पूरा का पूरा विधानसभा और पंचायत समिति में सरदार सर में या तारानगर में करवाना का बात कर आज मैं आप वादो करके जा रू श्याम जी कह रहे भानीपुरा नहीं बना निश्चित तौर पर बन सके और दूसरी बात मैं कहना चाहूं मेरे बारे में पूर्व वक्ता बहुत सी बात करी डॉक्टर वैद शक्तिशाली मंत्री बनना की बात करी कुछ मुख्यमंत्री बनना की बात करी प्रतिपक्ष को नेता हूं राजस्थान के अंदर जितना भी प्रतिपक्ष का विधायक मैं यहां बहुत तर मैं अगुवाई करूं आज आपके बीच में इतारानगर विधानसभा में चुनाव लड़ने का पीछे मकसद एक ही हो तो मैं आपको प्रधान सेवक बनूं प्रधान चौकीदार बनूं मैं महसूस कर रहा हूं कि पिछले वर्षा के अंदर अगर सारों ज्यादा नाइंसाफी इकट्ठा हुई है सारों ज्यादा भ्रष्टाचार कटा हुए हैं सारों ज्यादा लूटपाट कटा हुई है
सारों ज्यादा पुलिस थाना की प्रताड़ना कटी हुई है, सारों ज्यादा सरकार की सरपरस्ती में कमीशन गोली कटी हुई है, तो तारानगर विधानसभा में हुई है। तारानगर विधानसभा तो मंच पर भी राजा है। ये सभी लोग मेरे कई बार मिला, मेरे कहने लग गया थे चूरू लड़ो, चूरू में तो थे एक थारो लक्ष्मण बात तैयार कर रखे है, हरलाल सारण है, हरलाल ने चुनाव लड़ाओगा, हरलाल बहुत वोटों जीत जाओगो, मैंने मुक्ति चाहिए, मैं मत की बेटी हूं, सेवक की जगह पर एक ईशा भक्ति ने निकाल लियो, वो आंख मिला के बात बन करें, जनता को जनता का दुख दर्द सरोकारिता को नहीं। तिरातु शर्मा बताओ प्रचार संहिता में एक शिलान्यास करके आपके एमएलए साहब कह रहे मैं बहुत विकास कर दू, एक काम मैंने बताओ, दिल्लू के अंदर नहर की बात कर रहे हैं, मैंने सारा कागजात मिला निकाल के मैं और डॉक्टर बैद आज देखा तो सही वो कुर्सो नक्सो है, मैं तो नहीं हैरान है, और नहर है या 20 फुट गहरा नालो है, कि नहर के अंदर पानी आयो वो पानी खेतों तक कह लागेगो, और पीछे नहर के अंदर पानी बढ़ो को नहीं, आप सही करो भारतीय बन गए, नहर में पीछे पानी बढ़ो को नहीं, और अपना शब्द भाग दिखा रहा हूं, मैं वास्तव में इलाका की तकदीर बदलने की कोशिश करूंगा, मैं कहानी को अंत करने की कोशिश करूंगा। 2008 के अंदर प्रतिपक्ष को विधायक हो क्यों पहले नहर के अंदर संकड़ा खड़ा रहता, मूंद पानी आतो को नहीं, आप बहुत सारा सक गया, अब आप बेमियादी पड़ाव डालो बीकानेर में, आप लोग रेगुलेशन बढ़ो, और आज भी गंगानगर हनुमानगढ़ में पानी की बारियां ज्यादा मारा कम क्यों, एक अनुत्तरित सवाल है, पीछे कोई भी सरकार रही मेरी भी सरकार रही होगी, तो मंच पर खड़ा हा पीपल का सामने बात करा, खुद की कमी ने भी स्वीकार करना मैं गुरेज को नहीं करूं, और भी कमी ने दुरुस्त करना वास्ते है आने वाली सरकार के अंदर आप उस सेवा को लाइसेंस लेना वास्ते मैं आपका दरबार में उपस्थित हूं। आज भी मैंने सरदारपुरा जोधपुर में जाके गहलोत साहब के सामने प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी लड़ रहे हैं चुनाव, उसके बाद मैंने ओशिया जानो, जयपुर पहुंचकर हवाई जहाज तैयार खड़े हो, पर मैंने महावीर जी और नरेश जी और राकेश जी कहने लगा नहीं रातू सर की सभा में जानो पड़ेगा, 9 पंचायत का लोग इकट्ठा होगा, प्रमुख लोग आएगा, मैं वो दोनों कैंसिल करूं, और फिर बाद में सरदार सर के अंदर राजकुमार जी रणवा का नामांकन और बड़ा वोट की अपील करने वास्ते गए। अब अपनी बात से कह रहा हूं इस बार चुनाव के अंदर जुम्मेवारी ज्यादा है, राजस्थान में जाना पड़ेगा, और राजस्थान में ही वास्ते भी जाना पड़ेगा कि राजस्थान बदलाव का रास्ता पर चाल पड़े है। अब याद करो पिछली बार मैं कर्जा माफी की बात चली, और मैं पूछना चाहूं आपके गांव में मालाराम जी मेघवाल के कसूर करे हो, परिकवा की जमीन की कुड़की को नोटिस क्यों आयो, एक मालाराम नहीं राजस्थान के अंदर 1,25,000 लोग किसान जगह कर्जा माफी के नाम पर सरकार को भरोसा करे हो, पैसा चुकाया को नहीं, बाकी जमीन आज नीलामी पर है, धोखाधड़ी नहीं तो क्या है, और धोखाधड़ी नहीं तो क्या है, क्या मैं बाजरी अपना पैदा करा 1,600 रुपए 1,700 रुपए बेचा, और आपने पड़ोस में राजगढ़ का हरियाणा में आपका 2,350 रुपए बेचा,
अने इन सभी को वटे डीजल 10 रुपए महंगो क्यों वटे हरियाणा में सस्तो क्यों वटे महंगो क्यों सरों ज्यादा मंडी टैक्स क्यों सरों महंगी बिजली क्यों बिजली का डिमांड नोटिस जमा कराया आपने दो दो साल हो गया चाहे बूंद बूंद का हो चाहे दूसरों कनेक्शन नहीं कानिया के अंदर दीनदयाल उपाध्याय योजना में जगह कनेक्शन मिला बीजेपी के राज में बंद कर दिया और तो और हर घर में मीठो पानी पहुंचे जल जीवन मिशन बनाओ राजस्थान की हुकूमत में 32,000 करोड़ रुपया मोदी जी भेजा 22,000 करोड़ को घपला हो गयो आपका परसों अखबार में पढ़ना होगा सारू बड़ा अधिकारी एसीएस सुबोध अग्रवाल के घर ईडी पहुंची इंजीनियर के खेल का घर ईडी पहुंची 16.5 किलो सोनो भी आ सरकार है या सर्कस है सर्कस में जाए जो कराया करे इस सरकार में देखो आप सरकार का एक एमएलए साहब बदर होके बाल कटा के मुख्यमंत्री जी ने लिफाफा में बाल भेज रहे और कह रहे थोड़ा ईमान मर गयो इस बात से मैं तर्पण कर रहा हूं सरकार का मंत्री कह रहा है हमारी सरकार को अलाइनमेंट खराब है आ कमीशन खोरा की सरकार सरकार का मंत्री कह रहा है हमारी सरकार में इतना ही लोग जीता का जीता फॉर्चुनर की सवारी में बीता जीता का मैं सब आ रहा हूं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरी सरकार रिपीट होगी और मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार डिलीट होगी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं 156 मिशन मेरा 156 है मैं बने कह रहा हूँ एक सौ छप्पन में अगलो 6 हटा दो 15 जीत जाओ तो बहुत बड़ी बात है राजस्थान में बदलाव को तूफान खड़े है राजस्थान के अंदर ई बार जो अंडर करंट आप महसूस कर रहे हो राजस्थान का लोग दहशतगर्दी कदई कौन देखी गैंगस्टर रंगदारियां वसूल करे रोज सुबह और शाम हुए 17 बेटियां की इज्जत नीलाम हुए 7 हत्याएं हो जावे 220 चोरियां हो जावे ना चोर पकड़ा जावे ना हत्यारा पकड़ा जावे ना बलात्कारी पकड़ा जावे और विधानसभा में जब मैं सवाल करा तो मंत्री खड़े होके कह को तो मर्दा को प्रदेश है ना तो यार उपन्ना धाय को प्रदेश उधर जाओ वहां मीरा की शक्ति को प्रदेश राणा की मीरा की भक्ति और राणा की शक्ति को प्रदेश पद्मनी जोहर कर लियो बेटा मर्दा को प्रदेश के लिए सरकार के अंदर सरकार का बनाया लोग पर चोरी करते पकड़ो जाओ और जब पुलिस पूछताछ करे तो क्या मैं तो 1,75,00,000 रुपया दे के आरपीसी को मेंबर बने मानवेंद्र जी ओके खेल नोकिया की भी बना दो यार सर पेपर भी क्या और सरकार आखिरी दिन में गारंटी कार्ड दिया मैं तो अपनी तो ही कह सकूं कि गारंटी कार्ड 7 करोड़ ज्यादा मैं जटे भी जावा सब लोग कहे गारंटी बात की है कभी सरकार की विदाई इतने मैं आपको इतो ही निवेदन करूंगा अच्छा बहुत सा काम करना का है हर गांव में आबादी विस्तार की भी जरूरत है आप कह रहे सड़क की भी जरूरत है आप कहे नया सिराऊ आपके माइनर और कई गांव ने वंचित कर दिया इशारा ने दुरुस्त करने की जरूरत है इशारा काम के वास्ते सरकार बदल रही है भी मैं एक लाइसेंस शुदा आदमी ने भेजना की जरूरत है बिजली पानी कोई गायब रहे मैं कोई लंबी बात को नहीं कहूं और एक विनती जरूर करूंगा आज के बाद आप सामने भी राजा हो आप 35 वर्ष में लगातार 7 बार को मैं विधायक हूं अब कई तरह की बात अभी नरेश जी चिंता कर रहा मैं नरेश जी आप नहीं बताना चाहूं आपने ध्यान होगो 2008-2013 के बीच में जब मैं और मेरा और जय नारायण जी को और बैच जी को मुकाबला हो मैं चुनाव जीतो जय नारायण जी चुनाव हारा जय नारायण जी ने मैं ढूंढ के गयो तो आप दिशा सच्चा आदमी ने विधानसभा में जानो चाहिए मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र तारानगर जाके चुनू चुनाव लड़ो आप चुनाव लड़ो ये चुनाव निर्धार की जीत आज डॉक्टर सी एस बैद क्यों मेरे साथ है जिस तरह की प्रताड़ना
हार और जीत होती रहे। मैं भी इतना चुनाव जीत्या है, कदे सामने आने वाला व्यक्ति ने ओ सवाल को नहीं करो कि तू वोट कि ना दियो। अहंकार देखो कुंडी घोटा आया हो पक्का नीचे दबा दूंगा। मैं समझू अहंकार तो रावण को भी कौन चालो, परंतु मैं एक ही बात कहूंगा कि बैद जी जी की अपील करिए कि कुंडी ने रख दो और घोटो घुमाना चालू करो। और घोटो घुमाने वास्ते आपने अब राजेंद्र राठौड़ बनना पड़ेगा, आपने गांव में निकलना पड़ेगा। इस जगह लोग वोट का लुटेरा बनके रातों रात शहर खोलने की कोशिश करे। मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब की तरह है। आपने जिला में एक आदमी मिल जावे, मैं कदे जाति पाति की बात करी है, रिश्वतखोरी की बात करी है, अहंकार की बात करी है, एक झूठो सच्चो आदमी भी आपने जिला भर में मिल जाए दिन मैंने दंड दे दिया। ग्राम पंचायत का सब भाइयों ने मैं धन्यवाद भी देना चाहूँ कि आप पिछले 3-4 घंटों में राजा हो। और निवेदन भी करना चाहूँ अच्छा फुट पॉइंट को चौकीदार, आपकी चौकीदारी में कसर नहीं छोड़ेगा, मैं फिर आऊंगा, सरकार बनेगी, सरकार के अंदर आऊंगा, आपको आशीर्वाद मिले तो फिर ई चौपाल में बैठ कर कहूंगा कब आप मालिक हो, हुक्म दो मैंने आपकी हुक्मा की तामील करना को काम मैं करूंगा। आपकी प्रार्थना है कि बदली हुई परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का आने वाला शासन है, इस शासन के माध्यम से सुराज स्थापित करना वास्ता है, धोखाधड़ी की सरकार ने खत्म करना वास्ता है, लाल डायरी की सरकार ने खत्म करना वास्ता है, नासी के बाड़े की सरकार ने खत्म करना वास्ता है, सारा जना मिलकर मदद करो। अगर मेरी अपील पर आप सहमति आपकी है, हाथ खड़ा करके मैंने विश्वास दिलाओ मैं सब लोग आपके सागर वालों।